हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। सर, कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं लोगों को रोकने के लिए, और क्या आगे लोग सड़कों पर न जाए उसके लिए किया जा रहा है? हाँ, देखिए, कोरोना महामारी हमारे देश और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, घातक है। इसी के लिए आज जनता का धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा जनता ने खुद का कर्फ्यू किया। साथ ही अब इसको बड़ा करके 25 तारीख तक किया गया है मंदसौर जिले में। किंतु फिर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज की समस्या को समझ नहीं रहे हैं। एक सोशल एक्सपेरिमेंट, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर नहीं रहूंगा नाम से पेम्पलेट हमने ऐसे लोगों को दे करके उनका फोटो वायरल किया है, ताकि उनको शर्म आए और समझें कि ये इतनी गंभीर बीमारी है। अगर ये खुद लेकर के आते हैं तो पूरे समाज और हमारे देश को घातक परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं। इसी के लिए सख्ती भी की जा रही है, धारा 144 लगाई गई है, और जो लोग उनका पालन नहीं करेंगे उनका सख्ती से उन पर कार्रवाई करके भादावी और अन्य दंड विधान के तहत उन पर कार्रवाई करके सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा। बाकी आने वाले टाइम को देखते हुए क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से? देखें, जनता से पहला अनुरोध यह है कि खुद को, अपने परिवार को और समाज की बचाव के लिए बाहर ना निकलें। अगले 3 दिन तक के लिए विशेष रूप से कर्फ्यू तरह की स्थिति घोषित की गई है। इसमें कोई भी बाहर ना निकले और प्रिकॉशंस जो भी कोरोना वायरस को लेकर के हैं वो बरते जाएं। दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी? देखें, अभी तो ये किया जा रहा है कि जो ऐसी चीज करे उनका सोशल सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है। साथ ही उनको ले करके उनके चालानी कार्रवाई की जा रही है, साथ साथ उनको थाने पर ला करके थोड़ा सा उन पर जो कार्रवाई करना है वो भी किया जा रहा है।